गैंगरेप के आरोप में फंसे पूर्व विधायक मेवाराम जैन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मेवाराम को कांग्रेस ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शनिवार रात इसके लिए आदेश जारी किए हैं। आदेश पत्र में बताया गया कि मेवाराम जैन के अनैतिक कार्य से स्पष्ट होता है कि उन्होंने कांग्रेस के संविधान विपरीत आचरण किया है। बीते दिन से सोशल मीडिया पर दो अश्लील वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियो शुक्रवार दोपहर बाद से वायरल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि वीडियो में दिखने वाला व्यक्ति बाड़मेर का पूर्व विधायक मेवाराम जैन है। हालांकि अधिकारियों ने इन वीडियो पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने वीडियो संज्ञान में आने के बाद कुछ कहने की बात कही है। इस मामले को लेकर अभी तक मेवाराम जैन की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं कहा जा रहा है कि इस मामले में कोर्ट में पीड़िता के बयान हो चुके हैं। शुक्रवार को भी कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है। जांच कहां तक पहुंची है इस बारे में पुलिस ने कोई भी बयान जारी नहीं किया है। दरअसल मेवाराम जैन के खिलाफ एक महिला ने 20 दिसंबर 2023 को जोधपुर में गैंगरेप का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने पॉक्सो सहित 18 धाराओं में मामला दर्ज किया है। पीड़िता का ये भी आरोप है कि जब मेवाराम विधायक था तो रसूख के दम पर उसने कार्रवाई नहीं होने दी, बल्कि मेवाराम जैन ने मामला दर्ज कराकर पीड़िता को सेक्सटॉर्शन में गिरफ्तार करवा दिया। अब पिछले दो दिन से दो अश्लील वीडियो सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रहे हैं, जो बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन के बताए जा रहे हैं। इसके बाद एक्शन लेते हुए कांग्रेस ने मेवाराम जैन को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि रेप पीड़िता ने जोधपुर के राजीव नगर थाने में पेश की गई रिपोर्ट में बताया कि आरोपी रामस्वरूप और मेवाराम जैन ने उसके साथ रेप किया और उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी अश्लील हरकतें की। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित महिला के खिलाफ पहले रामस्वरूप ने बाड़मेर के कोतवाली थाने में महिला द्वारा ब्लैकमेल कर लाखों रुपए मांगने का आरोप लगाया था। जोधपुर में दर्ज मामले में पीड़िता ने बाड़मेर के दो पुलिस अधिकारियों सहित 7 लोगों के खिलाफ झूठे केस में फंसाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वीडियो वायरल होने के बाद बाड़मेर एक्स पर जबरदस्त तरीके से ट्रेंड करने लगा है। लोगों ने इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये शर्मसार करने वाली घटना है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।